सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हमने एक न्यू बुलेट परचेस किया और मैंने आपको बताया था कि हमने इस बुलेट के लिए एक स्पेशल नंबर परचेस किया है। तो शोरूम से जस्ट अभी कॉल आया है कि आपका नंबर RTO से आ चुका है शोरूम में, तो आप जो है अभी नंबर लगवा सकते हैं, तो वही अभी नंबर लगवाने जा रहे हैं, तो बने रहे ब्लॉग में। अराउंड दोपहर के 2 बजने जा रहे हैं और जब से रॉयल एनफील्ड आया है अपने घर में पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। स्कूटी यहीं पर पार्क रहता है, BMW भी अपना यहीं पे पार्क रहता है, MT तो पापा लेकर के गए हैं और ये रहा अपना रॉयल एनफील्ड। बाइक काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा है, वैसे भी ब्लैक कलर में गंदा बहुत ही ज़्यादा दिखता है, तो उतना पूछने का भी समय नहीं है, तो सिर्फ सीट वगैरह पूछ लेते हैं। बाइक में नंबर लगा हुआ नहीं है, अपने को रोड में कोई टेंशन नहीं चाहिए, नंबर प्रिंट आउट यहाँ पर लगवा लेंगे ताकि रोड में कोई दिक्कत ना हो, तो इसे ऑन किया जाए। बाइक बहुत ही ज़्यादा भारी है यार, BMW के टक्कर का है ये भी। वाह, लुक एट दिस ब्लैक ब्यूटी। साउंड तो भाई क्या ही कहना, तो थोड़ा सा इससे जो है कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं। वैसे भी रांची में दोपहर में निकलना मतलब हालत ख़राब होना, इतना कड़ा धूप है ना भाई, लेकिन इस रूट में थोड़ा साइड में पेड़ वगैरह लगा हुआ है ना, तो थोड़ा राहत तो मिल रहा है। नंबर अपना प्रिंट आउट निकल गया है, ये पीछे का है और आगे का वहाँ पे कट रहा है। हाँ, तो मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि बाइक लूंगा तो उसमें कुछ स्पेशल नंबर होना चाहिए, जैसे कि 0005 हो गया, 0555 हो गया, इस तरीके का। मैंने जब BMW बाइक परचेस किया तो शोरूम में उनको बोला कि मुझे ना स्पेशल नंबर चाहिए, मैंने बोला कि 0555 एक बार RTO में चेक करके देखिए अवेलेबल है क्या, तो उस समय वो नंबर वहाँ अवेलेबल नहीं था, ठीक है। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि भाई ये स्पेशल नंबर का गेम बहुत बड़ा होता है, लोग जो है स्पेशल नंबर के पीछे लाखों रुपया फूंक देते हैं। बाद में मैंने जब पता किया कि 0555 का एक्चुअल में प्राइस क्या रहा था, तो वो लाख रुपया से ऊपर का था, मतलब एक नंबर से जो है 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया था। BMW बाइक का प्राइस विद एक्सेसरी ऐसे ही 5 लाख रुपया क्रॉस कर जा रहा था। मैंने उस समय थोड़ा अवॉइड कर दिया कि छोड़ो हटाओ यार, क्या स्पेशल नंबर वगैरह किया जाए, अब जो नंबर आ जाएगा BMW पे वही ले लेंगे। तो अपने BMW बाइक का जो RTO से ऑटोमेटिक नंबर आया वो था 9151, तो 9151 भी सुनने में अच्छा लग रहा था। अचानक से एक दिन दिमाग में ऐसा स्ट्राइक किया कि अपना खुद का एक यूनिक नंबर बनाया जाए, और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि इंशाल्लाह जब भी मैं कुछ बाइक या कार फ्यूचर में लूँगा तो उसमें जो है 9151 नंबर ही होना चाहिए। जब मैं ये बुलेट परचेस करने गया तो मैंने उनको डिमांड किया कि मुझे 9151 नंबर ही चाहिए, फॉर्चुनेटली ये नंबर अवेलेबल मिला, लेकिन एक सीरीज जंप करने के बाद मिला। अरे यार, यहाँ इतना लंबा ट्रैफिक रहता है ना, कहानी शुरू हुआ कि नहीं भाई ट्रैफिक लग गया, यार इसके बाद बात करते हैं। अब आप मेरे तरफ का स्टोरी सुनोगे तो मैं घर से ये डिसाइड करके गया था कि हार्डली जो है अगर 9151 बुलेट के लिए भी नंबर मिलता है तो मैं 10 से 20 हज़ार रुपये तक जो है इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लगा दूंगा 10 से 20 हज़ार रुपया अगर मुझे नंबर मिल जाता है तो, ठीक है। और जैसे उन्होंने RTO में चेक किया ये नंबर 9151 और उन्होंने ये प्राइस बताया है, भाई साहब कसम से मेरा दिमाग ना सोचने पे मजबूर हो गया, बहुत ही हाई कॉस्ट था इसका। और उस दिन जो है साथ में पापा और साहिल भी गए हुए थे, तो हम लोग 5 से 10 मिनट तक सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि नंबर ले या ना ले। लास्ट में फाइनली मैंने डिसाइड किया कि छोड़ो हटाओ भाई, आदमी मेहनत करता है कमाता है भाई, शौक को कभी मरने नहीं देना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि हटाओ, जो भी कॉस्ट लग रहा है यही नंबर को रजिस्टर्ड किया जाए, और उस दिन हमने इसकी पेमेंट करके इस नंबर को एक्वायर कर लिया। तो यही स्टोरी है हमारे स्पेशल नंबर की। ऐसे तो मैंने देखा है कि लोग नंबर्स में सिर्फ 10 लाख 12 लाख इस तरीके से लगा देते हैं, लोगों का शौक होता है भाई 0001 0002 0003 ये सब नंबर जो है 10 से 12 लाख रुपये कॉस्ट कर जाते हैं RTO में। तो खैर अपना ठीक है भाई, 9151 ही अपना यूनिकनेस रहेगा, थोड़ा काफ़ी दूर पड़ता है यार मेरे घर से शोरूम भी, BMW का शोरूम भी काफ़ी दूर पड़ता है और ये इनफील्ड का भी। तो खैर चलिए पहुँच चुके हैं, तो नंबर वगैरह लगवा लिया जाए। अपने रांची के मौसम के बारे में क्या ही कहें, कल नंबर वगैरह लगाए और उसके बाद बारिश हो गई, तो मुझे GoPro बैग में रखना पड़ गया, तो मैं फर्दर क्लिप वगैरह शूट नहीं कर पाया था, तो ये मैं दूसरे दिन अभी शूट कर रहा हूँ। और दोनों बाइक में सेम नंबर देख करके काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक फ्रेम में आप देख सकते हो, ये अपनी BMW हुई, इसमें भी 9151 नंबर है, एंड ये अपनी बुलेट, इसमें भी 9151 नंबर है। फाइनली ऐसा लग रहा है कि जो मैंने डिसीजन लिया
काफी वर्थ इट था। अब ऐसा फील नहीं हो रहा है कि इतना पैसा जो लगाया नंबर के लिए कोई मतलब बेकार चला गया है। एक बात मैं आपको अंदर की बताना चाहूंगा कि जब हमारी अर्निंग्स नहीं रहती है ना, तो हमारे ख्वाहिशात काफी बड़े बड़े होते हैं कि ये परचेस करेंगे, वो परचेस करेंगे, और हम लोग काफी मेहनत भी करते हैं। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं भी इसी तरीके से सोचता था। अभी मेरे पास टोटल 3 बाइक्स हो गए हैं, सेम मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैंने बुलेट परचेस किया, हार्डली जो है 1 से 2 दिन का ही क्रेज था, उसके बाद सारा क्रेज जो है ना खत्म हो गया। तो वही होता है कि मतलब एक समय ऐसा आता है ना कि आपका मेटेरियलिस्टिक चीजों से एकदम मन उड़ जाएगा, फिर आप कितना भी महंगा महंगा चीज परचेस कर लो, हार्डली 1-2 दिन तक ही उसका क्रेज रहने वाला, उसके बाद फिर आपके लाइफ में जो चल रहा है फिर वापस वही आ जाता है। तो मैं अभी इस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर कर दूं। इसे एक मैं डिफरेंस दिखाना चाहूंगा, जैसे ये BMW का नंबर है ना, काफी अच्छा एंड बोल्ड एंड फाइन क्वालिटी में प्रिंट किया गया है, अच्छे से ये पढ़ा जा रहा है। लेकिन ये जो अभी आया है ना, वो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, देखो मतलब उस तरीके से प्रिंट भी नहीं है, तो काफी लो प्रिंट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। कि जब कंपैरिजन की बात हो रही है तो BMW वाला काफी अच्छा एंड फाइन दिख रहा है, और ये उतना अच्छा एंड फाइन नहीं लग रहा मुझे। तब RTO वाले क्या कर रहे हैं, अब तो उनके ऊपर ही है, इसमें हमारा क्या कंट्रोल है ना। सेसी को परचेस किए हुए अराउंड 2 साल हो गए हैं, कूलिंग एकदम नहीं कर रहा है, 16 पे चला रहे तब जा करके कूल हो रहा है, तो इसकी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी। वैसे मैंने सोचा था पिछले साल इसकी सर्विसिंग करवा लूंगा, लेकिन उस समय एकदम ठीक ठाक चल रहा था। वैसे मैंने भी सर्विस सेंटर में कॉल कर दिया है, तो कुछ देर में इसकी सर्विसिंग हो जाएगी तो सारा ठीक हो जाएगा। सो हो गया अपना AC सर्विस, और एकदम छोटा सा चीज के लिए इतना दिक्कत हो रहा था, सर्विसिंग के नाम पे सिर्फ यहाँ पे डस्ट साफ किया गया है, 5 मिनट भी नहीं लगा उनको सर्विस करने में, और AC एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी 28 पे चला रहा है और पूरा रूम एकदम कूल हो गया है। अभी अफसोस लग रहा है कि ये चीज पहले क्यों नहीं करवा लिए, 16 पे चला रहे थे तब जाके ठंडा कर रहा था, अभी 28 पे ही पूरा चिल्ड कर दिया रूम। यही था आज का ब्लॉग, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। मिलता है अगले किसी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।